पाकिस्तान ने दिया जर्मनी को कर्जा। ये बात आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि एक टाइम पर पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया था, वही जर्मनी जो कि आज दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है। इसके बारे में कहा जाता है कि 1963 में जनरल यू खान के जमाने में पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था जब जर्मनी माशी मुश्किलात से दोचार था। इस बात में कितनी सच्चाई है नाजरीन, ये बात मुकम्मल तौर पर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक अलबत्ता जर्मनी ने जरूर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था 1960 की दहाई में। ये रिपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। पाकिस्तान ने कभी जर्मनी को कर्जा दिया था या नहीं नाजरीन, इस चीज का कोई क्रेडिबल सबूत नहीं है, कोई इस चीज की सोर्स नहीं है नाजरीन। इस क्लेम को मगरबी मीडिया तो क्या, पाकिस्तानी मीडिया ने भी कभी सपोर्ट नहीं किया कि पाकिस्तान ने जर्मनी को 60 की दहाई में कर्जा दिया था। डॉक्टर मुराद अली जो कि मालाकंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और जर्मनी के भी एक तालीमी इदारे में अपनी खिदमत दे चुके हैं, वो इस सारी चीज को कवर करते हुए लिखते हैं कि ये बात झूठ के ऊपर मबनी है, माजी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। हमें चाहिए कि हम इंटरनेट के ऊपर जो भी खबर पढ़ें उसके ऊपर तब तक यकीन ना कर लें जब तक इस खबर के पीछे स्ट्रांग दलायल और सबूत मौजूद ना हो। नाजरीन, क्या आपको भी कभी ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन सुनाई थी कि पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया है? आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।